फ्रेंड्स, स्वागत है सुमन किचन में आपका। फ्रेंड्स, आज कद्दू की सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गैस ऑन करके हमने रख दिया है कढ़ाई। कढ़ाई गर्म हो गया है। अब इसमें मैं डालूंगी 4 से 5 टेबल स्पून सरसों ऑयल और इसे गर्म होने देंगे। तो फ्रेंड्स, ये गर्म हो चुका है। इसमें 2 तेज़पत्ता हम डालेंगे और इसमें डालूंगी 1/4 टेबल स्पून जीरा, 1/4 राई डालूंगी, 1/4 टेबल स्पून मेथी दाने इसमें डालूंगी और इसे फ्राई होने देंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये फ्राई हो रहा है, तो इसमें अब मैं थोड़ा सा इसे चला लूंगी और उसके बाद से इसमें मैं डालूंगी 2 से 3 हरी मिर्च इस तरीके के पीसेज में कटे हुए और इसे भी भून लेंगे। अब इसके भुनने के बाद इसमें मैं एक बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करूँगी और इसे भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी मैं। आप देख सकते हैं अच्छा से फ्राई हो चुका है। अब इसमें एक चुटकी हींग डाल दूँगी और इसे भी भून लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये भून चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसमें मैं बारीक ये धोकर के अच्छा से इस तरीके के पीसेज में हमने कद्दू कट किया है, अब इसे डाल दूँगी और इसे अच्छा से मिक्स कर देंगे हम। फ्रेंड्स, इसे कद्दू ये कोहरा भी बोलते हैं और इसे सीताफल भी कुछ लोग बोलते हैं। अब इसमें मैं नमक ऐड करके और इसे चला के ढक दूँगी 2 से 3 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हैं मिक्स कर लिया मैंने और ढक दिया है। तो चलिए चेक कर लेते हैं इसे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये गलने लग गया है। अब इसमें हम मसाला ऐड कर देंगे, थोड़ा गल चुका है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इसमें मैं डालूंगी 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, उसके बाद से इसमें डालूंगी 1 चम्मच धनिया और जीरा पाउडर, उसके बाद से टेस्ट के हिसाब से आप मिर्ची इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि हरी मिर्च भी मैं डाल रखी हूँ। तो 1/4 टेबल स्पून लाल मिर्च मैंने डाला है और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट हमने डाला है 1 चम्मच, उसके बाद से गरम मसाले भी हमने इसमें 1/2 टेबल स्पून डाला है और इसे मिक्स करके हमने ढक दिया है 2 से 3 मिनट के लिए। तो ये 2 से 3 मिनट बाद मैं इसे चेक करती हूँ। तो अब इसके अंदर मैं टमाटर 1 बारीक कटा हुआ डाल दूँगी और ये 80% गल चुका है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, पहले नहीं ऐड करेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आप चाहें तो आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, या आम हो आपके पास कच्चे तो उसे भी पीसेज में कट करके डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इसे हम मिक्स करके और ढक देंगे 1 से 1.5 मिनट ताकि टमाटर गल जाए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बिल्कुल टमाटर गल चुका है, वेल सेपरेट हो चुका है। तो ये सब्ज़ी बन के रेडी है और टमाटर भी आप देख सकते हैं कि गल चुका है और सब्ज़ी भी गल चुकी है। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए बिल्कुल अच्छा से गल चुका है। तो चलिए इसे अब सर्व कर लेते हैं थोड़ा सा धनिया पत्ता से गार्निश करने के बाद। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं बन के बिल्कुल रेडी है सब्ज़ी और बहुत ही टेस्टी बनता है इस तरीके से, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए इसे सर्व कर लेती हूँ मैं। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, हमने सर्व कर लिया है, आप अपने घर पे इसे ज़रूर बनाएं और हमें ज़रूर बताएं ये रेसिपी कैसी लगी आपको। थैंक यू।